हेलो एवरीवन, आज के अपनी इस वीडियो में हम फैशन इलस्ट्रेशन पेंट करेंगे, उसका ड्रेस पेंट करेंगे और साथ ही साथ हम उसकी स्किन टोन भी पेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें स्किन टोन और उसके ड्रेस में जो भी हमने पेंट करना है उनके लिए हमें कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, मैं कौन सा मटीरियल यूज़ कर रहा हूँ, कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं विंसेंट न्यूटन वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ, साथ ही मैं उसके लिए पोस्टर कलर यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल कलर्स, ड्राइंग पेन्स, स्मॉल साइज़ के ब्रशेज यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि 1 नंबर ब्रश, 3 नंबर और 0 नंबर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। हम स्मॉल साइज़ के ब्रश यूज़ करेंगे। स्मॉल साइज़ के ब्रशेज में क्या होगा, हम डिटेल्स जो हैं उसकी वो प्रॉपर दे सकें, क्योंकि बहुत माइनर डिटेल्स हमने देनी होती हैं। तो माइनर डिटेल्स के लिए हमने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि हम स्मॉल साइज़ ब्रश यूज़ करें। मैं स्मॉल साइज ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, आप बड़े साइज़ का ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट आपने बड़े साइज़ का अगर ब्रश यूज़ कर रहे हो उसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो जो ब्रश है आपका, वो उसकी जो टिप है वो पॉइंटेड होनी चाहिए और कलर आपने जब लेना है अप्लाई करने के लिए, कलर की क्वांटिटी आपने बहुत नॉर्मल रखनी है, यानी कम कलर लेना है। अगर ज़्यादा कलर लोगे और उसमें वाटर क्वान्टिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जब हम पेंट अप्लाई करने लगेंगे तो पेंट कहीं भी ज़्यादा लग सकता है और कोई स्पॉट पड़ जाएगा तो वो अच्छा ही लगेगा उस पर फिर। लेकिन हाँ, वो इरेज तो हम कर सकते हैं, बट फिर भी हमें केयर करनी चाहिए ना पहले ही कि वो कुछ भी ख़राब ना हो उस पर। तो ठीक, उसके लिए स्किन टोन के लिए जिस तरह से आपने देखा, सबसे पहले मैंने अपने 0 साइज़ का ब्रश यूज़ किया, उसके लिए मैंने स्किन टोन जो भी मैंने कलर जैसा भी अप्लाई करना था वो मैंने रेडी किया। देन उसकी मैंने आउटलाइंस पे जस्ट कलर अप्लाई किया, आउटलाइंस पे कलर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने ब्रश को साफ़ किया, साफ वाटर लेके मैंने कलर मर्ज किया, जितना ही मुझे कलर मर्ज करना था। सेंटर पार्ट कुछ मैंने रिफ्लेक्शन के लिए वाइट भी छोड़ा है, पूरी तरह से फिल नहीं किया, आपने देखा है ना। तो इसी तरह से इसे आपने करना है, बिल्कुल यही चीज़ बिल्कुल ईजी। अब एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है, जब आपने इस पर कलर अप्लाई करना है, कलर अप्लाई करने से पहले ऑब्वियसली आप जो इलस्ट्रेशन है पेंसिल से ड्रॉ करोगे, यानी ग्रेफाइट वगैरह आप यूज़ करोगे ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी अगर ग्रेफाइट अच्छी तरह से इरेज नहीं किया होगा, जब हम कलर को मर्ज करने के लिए वाटर लगाएंगे तो हमारे साथ में वो ग्रेफाइट भी आ जाएगा शेड में, तो वो स्किन टोन जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल करना है, ग्रेफाइट आपने अच्छी तरह से बिल्कुल इरेज कर देना है, कुछ भी ग्रेफाइट ना हो पेपर पे। अगर तो आपकी अच्छे से ग्रिप है तो आप ये का यूज़ कर सकते हो कि आप पहले इरेज कर लो और देन अप्लाई कर दो कलर और मर्जिंग कर लो। लेकिन अगर आप इग्नर हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, कलर आपने जो इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर ली, इलस्ट्रेशन ड्रॉ करने के बाद आप वाटर प्रूफ पॉइंटर लोगे 0.05 साइज़ का, उससे आप उसकी आउटलाइन जितनी भी हैं इलस्ट्रेशन की उनको पॉइंटर कर लोगे। पॉइंटर करने के बाद क्या होगा, जब आप उस पर कलर अप्लाई करोगे, कलर अप्लाई करने के बाद जब आप मर्ज करोगे वाटर से, तो आपका कुछ भी वो ख़राब नहीं होगी ना, स्किन टोन वही रहेगी, क्योंकि हमने वाटर प्रूफ पॉइंटर यूज़ किया। सिंपल पॉइंटर भी नहीं यूज़ करना आपने, वाटर प्रूफ पॉइंटर। तो इसी तरह से फिर अब जब मैंने फर्स्ट लेयर इसकी अप्लाई कर दी, फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद स्किन टोन की मैं वेट करूंगा कि वो ऑलमोस्ट 9% जो है ना ड्राई होनी चाहिए सेकंड लेयर पे आने से पहले। अब सेकंड लेयर में मैंने क्या किया, सेकंड लेयर में स्किन टोन की एक पॉइंट से मैंने डार्क टोन ली है, डार्क टोन से मैंने अगेन उसी तरह से आउटलाइन दी, आउटलाइन देने के बाद वाटर के साथ कलर को मर्ज कर दिया, उससे वो क्या हुआ तो थोड़ी 3D लुक आ गई उसकी और साइड्स जो है वो डार्क हो गई, तो जो सेंटर पार्ट है उसका बिल्कुल लाइट छोड़ दिया लाइट रिफ्लेक्शन के लिए। इसी तरह से हेयर्स पे भी मैंने किया, हेयर्स भी मैंने दोनों साइड्स यानी इनर और आउटर पार्ट उसका हेयर्स का उसको मैंने कलर किया। कलर करते हुए मैंने क्या किया, जस्ट उसमें कुछ आपने देखा ना कि वाइट पोर्शन मैंने छोड़ा, वाइट पोर्शन इसलिए छोड़ा लाइट रिफ्लेक्शन के लिए, मैंने कलर को बिल्कुल भी मर्ज नहीं किया हेयर्स में, जस्ट क्या किया कलर अप्लाई करने के बाद वाटर प्रूफ पॉइंटर से थोड़ी शेड्स दे दिए, तो स्किन टोन इसकी कंप्लीट हो गई। स्किन टोन कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी जब ड्रेसिंग पे आए, ड्रेस के लिए इसकी शर्ट के लिए मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया,
किया कि मैं इसमें रेड कलर अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा अपना बिल्कुल ये आइडिया, कोई मैंने रेफरेंस फोटोग्राफ इसके लिए यूज़ नहीं की। आप रेफरेंस पिक इसके लिए यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस पिक में आप सब कुछ देख लोगे कि ड्रेस की किस तरह से सिल्वेट्स हैं, कौन से कलर अप्लाई हुए हैं, सेम ऐसा बनाने की आप कोशिश करोगे, क्योंकि अगर आप एक बिगनर हो तो ठीक है ना। आप कलर जो मैंने इसमें शर्ट में यूज़ किया, मैंने वाटर कलर यूज़ किया। वाटर कलर में क्या किया, वाटर क्वान्टिटी मैंने ज़्यादा रखी, ठीक है, और कलर मैंने कम यूज़ किया। अब रेड कलर अप्लाई करने के बाद जहाँ जहाँ पे मैंने इसके डार्क देना था, यानी सिल्वर्स देनी थी, मैंने उसी कलर की डार्क टोन ली, यानी मैरून लेकिन काफ़ी डार्क। उसके बाद उसे मैंने हल्का हल्का अप्लाई किया, यानी छोटी सी लाइंस दी जहाँ जहाँ सिल्वर्स देनी है। ब्रश को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया। ब्रश साफ करने के बाद मैंने वाटर से उनको मर्ज कर दिया, और इसी तरह से जो उसकी साइड्स हैं शर्ट की, उनको थोड़ा और डार्क करने के लिए मैं अपना पेंसिल कलर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक पेंसिल कलर। ब्लैक पेंसिल कलर से थोड़े थोड़े से मैं इसमें शेड्स दे दूंगा इसकी सिल्वर्स में सारे, जैसे भी आपके पास जो पिक्चर होगी उसमें जहाँ आप देखोगे शेड्स हैं वो दोगे। और लाइट रिफ्लेक्शन के लिए मैं अपनी वाइट पेंसिल यूज़ की। वाइट पेंसिल जो मैंने यूज़ की है वो मेरे पास वाइट पेस्टल पेंसिल है। आप वाइट चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, वाइट कलर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, अगर अच्छी क्वालिटी की अगर आपके कलर पर चल जाती है तो ठीक है ना, आप वही यूज़ कर लो। क्यों आप पेस्टल पर आते हो, वो भी ठीक रहेगी, जिस पे आपकी अच्छी ग्रिप है वो आप यूज़ करो। तो उसके बाद हम इसकी जीन्स पे आ गए। जीन्स के लिए मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया, ब्राउन भी मैं वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ। वाटर कलर में क्या किया, वाटर क्वांटिटी मैंने अब पहले से भी ज़्यादा यूज़ की है, और बिल्कुल लाइट लाइट सा मैंने क्या किया है, कलर को आउटलाइन पे अप्लाई किया। जस्ट आउटलाइन पे अप्लाई करने के बाद मैंने वाटर लिया, ब्रश साफ किया वाटर से, और वाटर के साथ मैंने कलर को मर्ज कर दिया जितना ही मुझे करना है। अब जब भी हम शेडिंग कर रहे होते हैं हमें बताना चाहिए कि हमारा लाइट सोर्स किधर है इमेज पे, हमने कहाँ पे इमेजिनरी लाइट सोर्स लिया है। मैंने इस पे जो लाइट सोर्स इमेजिनरी लिया है, मैंने इस पे अपवर्ड लिया, यानी कि स्टेशन के बिल्कुल सामने से लाइट पड़ रही है, तो इस वजह से हम दोनों साइड्स उसकी आउटर पार्ट लेग का डार्क देंगे। जिस तरह से मैंने शर्ट पे दिया वही सेम चीज़ जीन्स पे आ गई, उसको डार्क करके सेंटर पार्ट जो है मैंने बिल्कुल लाइट छोड़ा, क्या उस पर रिफ्लेक्शन शो, क्योंकि डार्क टोन जो है हमेशा डेप्थ शो करती है, लाइट टोन जो है वो रिफ्लेक्शन शो करती है। तो सेंटर पार्ट मैंने लाइट रखा, साइड्स मैंने डार्क कर दी। इसी तरह से जो कुछ डिटेल्स हैं वो मैं अपने बिल्कुल स्मॉल ब्रश से, यानी वन नंबर बट मैंने यहाँ पे यूज़ किया जो ब्लू कलर का ब्रश था, जिसमें थोड़ी सी डिटेल्स दी हैं, बट टिप जो है वो पॉइंटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको थोड़ा सा और डार्क टोन में लेके जाने के लिए, जीन्स को डिटेल्स देने के लिए मैं ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ब्लैक कलर पेंसिल से इसकी थोड़ी सी और शेड्स दे दी हैं। और जब आप इरेज कर रहे होगे ना इलस्ट्रेशन ड्रॉ करने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया इलस्ट्रेशन के आपने आउटलाइंस इरेज कर लेनी है, लेकिन इरेज करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना, आपने मोनो साइज इरेजर यूज़ करनी है, यानी स्मॉल इरेजर यूज़ करनी है, वो भी कोशिश करना है आपने कि पॉइंटेड ही हो। उससे क्या होगा कि जो आउटलाइंस होंगी आप जस्ट वहाँ इरेजर यूज़ करोगे। अगर आप बड़े साइज का इरेजर यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा, जब हम इरेजर यूज़ करेंगे तो हमारी ऑब्वियसली वो हर जगह पे भी इरेजर लगेगी जहाँ हमारी ज़रूरत भी नहीं है। जब हमें चाहिए ही नहीं तो हम क्यों उसे यूज़ करें ना, हम छोटे साइज का इरेजर यूज़ करते हैं, नहीं तो हमारा जो पेज है जब हम इरेज करेंगे, और प्रेशर आपने कम यूज़ करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप बहुत ही उसे इरेज करने बैठ जाओ, जी मैं बिल्कुल ग्रेफाइट इस पर ख़त्म कर दूँ, नहीं, आपने नॉर्मल प्रेशर के साथ इरेजर यूज़ करना है, और उसे ऐसे नॉर्मल यूज़ करना है ताकि जो हमारा पेज है वो ना ख़राब हो, पेज हमारा बिल्कुल ठीक रहे। नहीं तो इरेजर यूज़ करेंगे पेज भी ख़राब होगा, फिर कलर अप्लाई करते हुए फिर मर्ज नहीं होगा, फिर इतनी सारी प्रॉब्लम। और वैसे भी जब आप करोगे फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, कोई बात भी नहीं होता, तो आप प्रैक्टिस करते रहो तो इससे भी अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं बनेगी, बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसके मैं शूज़ में भी वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ। वाटर क्वान्टिटी मैंने अगेन ज़्यादा रखी है, सेम उसी तरह से मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ, और कलर नेक्स्ट लेयर पर आने से पहले मैं वेट करता हूँ कि वो 90% ऑलमोस्ट हमारी जो फर्स्ट लेयर है 80-90% ड्राई होनी चाहिए, देन मैं सेकेंड लेयर पे आऊँगा, उससे कलर मर्जिंग अच्छी होगी। फिर जब हम सारे कलर अप्लाई कर लेंगे फिर हम इसकी कुछ डिटेल्स पे आ जाएंगे।
जैसे माइनर माइनर डिटेल्स हमने देनी होती हैं कुछ भी, जैसे भी आपका ड्रेस है या आप चाहते हो मैं इसमें कुछ स्टोन्स कोई बीट वर्क दूँ या कुछ भी, या नेक कोई उसके नेकलेस कुछ भी, तो वो डिटेल्स ऐड कर लेंगे। अब जैसे इसकी मैं यहाँ पे जीन्स पे नेट का टेक्सचर देने के लिए मैं फोटो प्रूफ पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, यही वाला पॉइंटर आपने आउटलाइन के लिए यूज़ करना है। अब इसी तरह से मैं इसकी नेट ड्रॉ कर ली है। अब इसी तरह से मैं इसकी जीन्स को भी आउटलाइन दे रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल नीट हो जाए, इसकी आउटलाइन वगैरह अच्छी प्रॉपर डिटेल्स। कुछ सिल्वेट्स हैं उनको भी हाईलाइट करने के लिए मैं पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, डिटेल हाईलाइट्स जो इसकी सिल्वेट्स हैं उनमें पॉइंटर आ जाएगा। शर्ट की बैक साइड थोड़ी डार्क कर लेंगे, शूज की इन साइड, और शूज़ पे इसी तरह से शेड देने के लिए मैं कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कलर पेंसिल से शेड्स देता जा रहा हूँ। व्हाइट कलर पेंसिल अगेन रिफ्लेक्शन के लिए, ब्रश लिया कुछ कलर मैच करने के लिए, शर्ट की आउटलाइन रह गई थी मुझे अब याद आई है, तो मैं अब वो अब अप्लाई कर रहा हूँ उसकी, अब कर रहा हूँ आउटलाइन सारी पॉइंटर से। सिल्वेट्स में भी हम थोड़ी आउटलाइन दे देंगे पॉइंट जो कि जरा हाईलाइट हो जाएगी ना तो अच्छी लगती है वो डिटेल्स। अब इसके कुछ मैं नेकलेस दे देता हूँ, उसके लिए मैं अपना ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ और अगेन जीरो साइज ब्रश, जीरो साइज ब्रश के साथ मैंने ब्लैक कलर लिया और छोटे छोटे से बिल्कुल बीट्स बना रहा हूँ, ठीक है ना। वो बीट्स पेंट करने के बाद मैंने ब्लैक कलर पेंसिल से थोड़ा रिफ्लेक्शन दे दिया ताकि 3D लगे, और उसके बाद वाइट पोस्टर कलर से ब्लैक स्टोन्स के ऊपर ही वाइट अप्लाई कर रहा हूँ, और इसी तरह से उसको थोड़ा और डिटेल देने के लिए ब्लैक वाटरप्रूफ पॉइंटर यूज किया। अब वाइट पोस्टर कलर से जीरो साइज ब्रश से मैं इसमें डिटेल्स दे रहा हूँ, यानी इस पर कुछ मैं स्टोन वर्क यूज कर रहा हूँ, यानी कुछ ग्लिटर्स अगर आपने ड्रॉ करने हैं वो आप इस टेक्निक के साथ कर सकते हो, कुछ पर्ल्स करने हैं वो सेम टेक्निक यूज होगी, कुछ भी आपने इस पे इस तरह की अगर डिटेल ऐड करनी है तो सेम आप यही टेक्निक चूज करोगे। कलर आप कम कलर ज्यादा लोगे, वाटर कलर सॉरी पॉइंट पोस्टर कलर, कलर क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे और वाटर क्वांटिटी कम रखेंगे, और इसी तरह से उस पर डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। बट जब आप डिटेल्स ऐड करोगे जैसे मैंने शर्ट पे की है, ये इसी तरह से पर्ल्स और स्टोन वगैरह देने के बाद अपनी ब्लैक कलर पेंसिल या जो भी डार्क टोन होगी कलर से उससे थोड़ी सी इसकी सिल्वेट्स दोबारा प्रोमिनेंट कर दोगे, और इसी तरह से भाई अब मैं वाटर कलर से इसका थोड़ा रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ साइड पे, इसके शेडो दे रहा हूँ इसका ताकि ज़रा 3D लगे, अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ कलर, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, इतना कुछ नहीं है।